हर जानवर की तरह एक गाय दूध केवल तब प्रोड्यूस करती है जब उसका बच्चा होता है, और वो दूध सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है। लेकिन गाय के बछड़े के पैदा होते ही उसके बच्चे को सिर्फ कुछ ही घंटों में उससे दूर कर दिया जाता है। अगर वो एक मेल काफ है तो उसे कुछ ही दिनों में स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है मीट कंजम्पशन के लिए या फिर लेदर के लिए। ऑल दो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीफ बैंड है, लेकिन कई सारे बॉर्डरिंग नेशंस में और इवन हमारे इंडियन स्टेट्स में स्लॉटरिंग अलाउड है। अपने बच्चे से दूर होने के बाद हर गाय काफ़ी दिनों तक डिप्रेशन में रहती है। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण गाय की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि गाय का दूध उसके बच्चे की जगह हम पी सके। एक गाय को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस से, सीधी भाषा में कहूँ तो उनका रेप करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बार बार एक बच्चा दे और ताकि वो बार बार दूध प्रोड्यूस कर सकें, और हर बार उनके बच्चे को उनसे छीन लिया जाता है ताकि उनका दूध फिर से हम पी सकें। और हर डेयरी फार्म के अंदर दूध हाथ से नहीं निकाला जाता है, डेयरी फार्म्स के अंदर मशीनों का यूज़ किया जाता है जिन्हें अक्सर घंटों तक लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गाय को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है और अक्सर उनके कई तरह की इन्फेक्शंस और बहुत बुरी सूजन होने लगती है। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर गाय को एक फैमिली मेम्बर की तरह माना जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय भी उस गाय को बांध कर एक घर में कैद रखा जा रहा है। हमें बचपन से बताया जाता है दैट काउ गिव अस मिल्क। ये शब्दों का बहुत गलत इस्तेमाल है। काउ डज नॉट गिव अस मिल्क, वी डोंट हैव द कंसेंट, वी टेक अवे द मिल्क। सो नो मैटर व्हाट द केस इज, वी स्टिल आर यूजिंग द एनिमल एज आर स्लेव। एक गाय की उम्र 15 से 20 साल की होती है, लेकिन डेयरी फार्म के टॉर्चर के कारण कई बार वो केवल 6 से 7 सालों के अंदर ही अपना दम घोट देती है, और जो गाय बच जाती हैं और दूध देने की क्षमता खो देती हैं उन्हें या तो बॉर्डरिंग नेशंस पे या जिस स्टेट्स में स्लॉटर अलाउड है मीलों तक चलाया जाता है, उन्हें वहाँ पर लेके जाया जाता है। इस समय तक गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उनकी मेंटल स्टेट और उनकी फिजिकल स्टेट बुरी तरह से ख़राब हो चुकी होती हैं। इस कारण से कई बार उन्हें चलने में बहुत दिक्कत आती है, और इसीलिए अक्सर उनकी पूंछ को तोड़ा जाता है, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जाता है, उनकी आँखों में मिर्ची डाली जाती है ताकि वो उठकर खुद स्लॉटर हाउस तक जा सकें। मेल चिकन्स के पैदा होते ही उन्हें एक मशीन के अंदर कुचल के मार दिया जाता है, और जिन चिकन्स को ब्रीड किया जाता है अक्सर उनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ना वो चल पाते हैं और ना वो ढंग से सांस ले पाते हैं। अक्सर उन्हें इतने छोटे पिंजरों में रखा जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
और किसी भी जानवर को मारते समय किसी भी तरह के एनेस्थीसिया का यूज नहीं किया जाता है। और इस तरह का इनह्यूमेन बिहेवियर इन जानवरों के प्रति हर जगह और हर जानवर के ऊपर किया जाता है।